लोंगेवाला से पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, बोले दुनिया को कोई भी ताकत हमें अपनी सीमा की रक्षा करने से रोक नहीं सकती, ना ही टोक सकती है। पीएम मोदी का सख्त संदेश, अपनी एक इंच जमीन पर भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, हमें आजमाने की कोशिश होती है तो जवाब में उतना ही प्रचंड रिप्लाई मिलता है। पीएम मोदी की देश के दुश्मनों को दो टूक, बोले दुनिया जानती है कि अपने हितों से रत्ती भर समझौता नहीं करेंगे आज तक, और जो आतंक के आकाओं हैं उनको घर में घुसकर हम मारते हैं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर अटैक किया, कहा आज पूरी दुनिया विस्तारवादी ताकतों से परेशान है, विस्तारवाद मानसिक विकृति, किसी भी इनमें समझौता नहीं करेंगे। लोंगेवाला पोस्ट से पीएम मोदी का सख्त संदेश, भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है और स्पष्ट है, बोले भारत समझने और समझाने की नीति में विश्वास रखता है। पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया, बोले वही आगे बढ़ता है जो हमलावरों का डटकर मुकाबला करता है, सतर्कता ही सुख चैन का संबल, क्षमता की विजय का विश्वास है। पीएम मोदी ने देश के नौजवानों से स्टार्टअप्स की अपील की, बोले देश की सेना के लिए निर्माण करने का आह्वान करता हूं, डिफेंस सेक्टर में नए स्टार्टअप से देश आत्मनिर्भरता के मामले में आगे बढ़ेगा। जवानों के साथ जैसलमेर बॉर्डर पर पीएम मोदी की दीपावली, लोंगेवाला पोस्ट से जवानों का हौसला बढ़ाया, जोश बढ़ाया, कहा आप हैं तो देश है, देश का ये त्यौहार है। पीएम मोदी ने कहा देश की रक्षा कर रहे जवान ही मेरा परिवार है, आपके चेहरे पर खुशियां देखकर मेरी खुशी दोगुनी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को याद दिलाई लोंगेवाला की विजय गाथा, बोले लोंगेवाला का नाम आते ही भारत में जोश भर जाता है, कैप्टन कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में पाकिस्तान को धूल चटाई। पीएम मोदी बोले रेगिस्तान हो या जंगल, आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ती रहेगी, स्थिति कैसी भी हो हमारे जवानों का शौर्य अतुलनीय है, जवानों के बलिदान पर धरती और आसमान को गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को तीन मंत्र दिए, कुछ नया करने की आदत को जिंदगी का हिस्सा बनाने को कहा, योग को जीवन का हिस्सा बनाने को कहा, कम से कम एक भाषा जरूर सीखने को कहा। पीएम मोदी ने कहा देश महामारी के कठिन वक्त में हर नागरिक के जीवन में रक्षा में जुटा हुआ है, 80 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था की, साथ ही अर्थव्यवस्था को वापस गति देने की भी कोशिश जारी है। जैसलमेर में मोदी के साथ CDS बिपिन रावत मौजूद, साथ में सेना प्रमुख नरवणे और BSF के DG भी शामिल। दीपावली पर पीएम मोदी का लोगों को संदेश, उनसे अपील, दीपावली की शाम जवानों के सम्मान में एक दिया जरूर जलाएं। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने एक साथ 200 से ज्यादा मशाल जलाई, मशाल से लिखा हैप्पी दीपावली इंडियन आर्मी। जम्मू के RSपुरा में BSF जवानों ने दीपावली का जश्न मनाया, बॉर्डर पर दीप जलाए, जमकर आतिशबाजी की। नेवी चीफ करमबीर सिंह पहुंचे निकोबार द्वीप, कैंपबेल बे में नेवी स्टेशन का दौरा किया, नेवी की तैयारियों का जायजा लिया। भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का करारा जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 जवान ढेर, 15 घायल। मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों में स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडो भी शामिल, पाकिस्तानी सेना की बातचीत इंटरसेप्ट किए जाने से हुआ खुलासा। भारतीय सेना ने LOC पर पाकिस्तान के कई बंकरों को उड़ाया, पाकिस्तान फौज के कई पोस्ट भी तबाह किए। भारतीय सेना का गोला गिरने के बाद उरी सेक्टर में अपने पोस्ट से जान बचाकर भागते नजर आए पाकिस्तानी जवान, हैवी आर्टिलरी से किया हमला। भारतीय सेना ने उरी के अलावा तंगधार केरन सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट पर अंधाधुंध बम बरसाए, आतंकवादियों के कई लॉन्चिंग पैड को भी नष्ट किया। बारामूला सेक्टर में भारतीय सेना ने पाक फौज के गोला बारूद और तेल के स्टोर को उड़ाया, आसमान में उड़ी आग की लपटें। पाकिस्तान ने भारत के कई सेक्टर्स में भारी गोलीबारी की, 5 भारतीय जवान शहीद हुए, 6 सिविलियन भी मौत के। शहीदों में सेना के 4 जवान और BSF का 1 जवान शामिल, बारामूला में शहीद हुए BSF के 1 सब इंस्पेक्टर राकेश डोबल। पाकिस्तान ने भारत के कई सेक्टर्स को निशाना बनाया, गुरेज, उरी, केरन, दावर और नौगाम सेक्टर में भारी फायरिंग। LOC पर जान बचाकर घरों से भागते दिखे लोग, कायर पाकिस्तानी सैनिकों ने सिविलियंस को बनाया था निशाना। दीपावली पर भारत ने क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया, पलक झपकते ही पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट को हवा में बनाया निशाना। अयोध्या में 500 साल बाद इस बार राम मंदिर वाली दीपावली, सरयू घाट पर दीप जलाए गए, 6,06,000 दिए जलाए गए, बना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में सरयू तट से लेकर राम की पैड़ी तक भव्य नजारा, हर तरफ नजर आई रोशनी और जगमगाहट, राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद पहली दीपावली। 28 साल के बाद टेंट से बाहर अस्थायी मंदिर में रामलला की हुई पूजा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके को यादगार बनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव की शुरुआत की, राम की पैड़ी पर सरयू की आरती भी उतारी। सरयू किनारे पुष्पक विमान से उतरे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, योगी ने उतारी आरती। अयोध्या में सरयू तट पर लेजर शो का आयोजन, लेजर शो के जरिए बनाई पूरी रामायण, इस बार नहीं हुई आतिशबाजी। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बटन दबाकर वर्चुअल दीपोत्सव वेब पोर्टल का शुभारंभ किया, ज्यादा डिमांड के कारण क्रैश हुई वेबसाइट।
अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान बोले योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से राम मंदिर का निर्माण कार्य देखना सफल हुआ। सीएम ने लोगों से किया वादा, कहा इस साल 5,51,000 दीपक जल रहे हैं, अगले साल 7,51,000 दीप जलेंगे। सीएम योगी ने कहा कोरोना काल में अयोध्या में दीपोत्सव, कोरोना महामारी की वजह से काफी सावधानियां बरती गई। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले शोभा यात्रा निकाली गई, सड़कों पर निकली भगवान राम की झांकियां। अयोध्या में भगवान राम से जुड़ी प्रदर्शनी भी देखने को मिली, अहल्या उद्धार से लेकर भारत मिलाप तक की मूर्तियां और तस्वीरें नजर आई। अयोध्या में दीपोत्सव के बाद घाटों की सफाई का काम शुरू, नगर निगम की टीम साफ सफाई के कार्य में जुटी। दीपावली पर हनुमानगढ़ी मंदिर में स्पेशल पूजा, सुबह से मंदिर में पूजा पाठ के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में योगी ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने घर विदिशा पहुंचे, परिवार के साथ डेयरी प्लांट और फार्म हाउस पर भी दीपावली की पूजा। पूजा से पहले शिवराज ने खुद चलाया ट्रैक्टर, दोनों बेटों को ट्रैक्टर पर बिठाया, गेहूं के फसल बोने की शुरुआत की। चिकमंगलूर में दीपावली पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने मंदिर में की पूजा अर्चना, सीटी रवि के साथ उनका परिवार भी था मौजूद। चेन्नई में दीपावली की धूमधाम, शहर में सुबह से सड़क पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दीपावली का जश्न, सड़क पर सुबह सुबह आतिशबाजी करते नजर आए लोग। पणजी में दीपावली की सुबह जलाए गए नरकासुर के पुतले, पुतला दहन देखने के लिए सड़क पर भीड़ उमड़ी। दीपावली के मौके पर दिल्ली के झंडेवालान में पूजा अर्चना की गई, सुबह से माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जगमग हुआ बाबा केदारनाथ का दरबार, दीपावली पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा के लिए की गई थी तैयारी, 16 नवंबर से बंद होंगे मंदिर के कपाट। दीपावली पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भव्य सजावट, पंजाब में दीपावली के दिन मनाया जाता है बंदी छोड़ दिवस, शहर भी रोशनी से जगमग। पंजाब में बंदी छोड़ दिवस आज, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर स्थित सरोवर में डुबकी लगाते नजर आए श्रद्धालु। दीपावली पर गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर भी सजा, शानदार लाइटिंग की गई, लाइटिंग देखने पहुंचे लोग। भारत से लेकर अमेरिका तक दीपावली का जश्न, लाइटिंग से जगमगाया न्यूयॉर्क का एम्पायर एस्टेट बिल्डिंग। दीपावली पर जगमग हुई राजधानी दिल्ली, रंग बिरंगी लाइटों से कई इमारतें हुई रोशन। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में भी रंग बिरंगी रोशनी नजर आई, शहर की दूसरी ऐतिहासिक इमारतों में भी की गई लाइटिंग। दीपोत्सव पर जगमगाया राजस्थान का जयपुर शहर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम और किशन कोल बाजार रंग बिरंगी रोशनियों से सराबोर नजर आया। दीपावली की सुबह दिल्ली में छाई सफेद धुंध की चादर, आईटीओ इलाके में 400 है AQI, कई इलाकों में स्मॉग से लोगों की परेशानी पड़ी। दीपावली पर आज सभी रूट पर रात 10 बजे तक ही चलेगी मेट्रो, सामान्य दिनों में रात 11 बजे तक आखिरी ट्रेन। पटाखों पर रोक के लिए रेलवे भी पूरी तरह से अलर्ट, मुंबई में लोकल ट्रेनों में RPF ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कानपुर में बड़ा प्रदूषण का स्तर, शहर में पटाखों पर पाबंदी के बावजूद स्मॉग छाया। बिहार राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिहार के 3 शहरों में पटाखों को बैन किया, पटना, मुजफ्फरपुर और गया में पटाखों पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला बदला, दीपावली पर 2 घंटे तक ग्रीन पटाखों को चलाने की छूट। दीपावली पर तमिलनाडु के मदुरई में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ नजर आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में एक परिवार के घर दीपावली की खुशियां लौटाई, पटाखा कारोबारी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे रिहा कराया। योगी ने सीनियर अधिकारियों से पटाखा कारोबारी और उसके बेटी को भिजवाई मिठाई, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कही। पुलिस ने बुलंदशहर के खुर्जा से अवैध पटाखा कारोबार करने वाले कारोबारी को किया था गिरफ्तार, पिता के पीछे दौड़ते बेटी की तस्वीर हुई थी वायरल। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज, शांतिवन पहुंचकर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। संसद भवन में भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई, स्पीकर समेत बड़े नेताओं ने नमन किया, राष्ट्रपति और पीएम ने याद किया। बीजेपी ने अपने नए राज्य प्रभारियों की टीम का ऐलान किया, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को बनाया यूपी का प्रभारी। पश्चिम बंगाल के प्रभारी बने रहेंगे कैलाश विजयवर्गीय। आपको बता दें कि असम की कमान बीजे पांडा को सौंपी गई, अगले साल बंगाल और असम में है चुनाव। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह राजस्थान और कर्नाटक में संभालेंगे चुनावी बागडोर, सीटी रवि को महाराष्ट्र और तमिलनाडु की जिम्मेदारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश। नागपुर में बोले बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, नीतीश ही बनेंगे सीएम, किसी के मन में कोई शंका नहीं। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा बने बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। पटना कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़े, विधायक दल की बैठक के दौरान हुआ हंगामा। कांग्रेस नेता विजय शंकर दुबे को किसी नेता ने अपशब्द बोला था, इसके बाद दोनों गुटों में हाथापाई शुरू हुई थी। उत्तराखंड के पूर्व MLA लखीराम जोशी निलंबित, अनुशासन तोड़ने पर उत्तराखंड बीजेपी ने कार्रवाई की।
देश में एक दिन में कोरोना के 44,684 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, 520 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना का ग्राफ 88 लाख के करीब पहुंचा, 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। देश में अब तक कोरोना के 12,40,00,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई, शुक्रवार को 9,29,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण जारी, एक दिन में 7,802 नए मामले दर्ज हुए, 91 लोगों की मौत की भी खबर। दिल्ली में 7 से 10 दिन में कंट्रोल हो जाएगा कोरोना, सीएम अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर अपनी बात सामने रखी, कहा बढ़ते प्रदूषण की वजह से बड़े मामले, दीपावली के बाद कई बड़े कदम उठाने के संकेत भी दिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 4,132 लोग संक्रमित पाए गए, 127 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 997 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 4 संक्रमितों की मौत की खबर। गुजरात के वलसाड़ में प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग लगी, कई फीट ऊंची नजर आई आग की लपटें, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के मदुरई में एक दुकान में आग लगी, आग बुझाने के दौरान 2 अग्निशमन अधिकारियों की मौत भी हुई। अमेरिका में चुनावी नतीजों के बाद पहली बार सामने आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा अप्रैल तक लोगों को मिलेगी वैक्सीन। अमेरिका में जॉर्जिया के नतीजे भी औपचारिक तौर पर घोषित किए गए, बाइडेन को अभी तक 306 और ट्रंप को 232 वोट मिले। ब्रिटेन सरकार का संकट गहराया, पीएम बोरिस जॉनसन के करीबी डोमिनिक कमिंस के सरकार से इस्तीफे की खबर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में छोटा विमान क्रैश हुआ, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कार में आत्मघाती धमाका, सुरक्षा बल के 3 जवानों की मौत, 4 घायल। नागोनो कारबाख इलाके में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति बहाल करने की कोशिश, रूस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। विरोध के बीच म्यांमार में आंग सान सू की ने मारी बाजी, एनएलडी पार्टी ने जीत हासिल की, लगातार दूसरी बार 5 साल तक संसद में रहेंगी। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर पर नजर रख सकेगा चीन, स्वाचीन से लॉन्च की सैटेलाइट। फिलीपींस में तूफान के गुजरने के बाद भी तबाही के निशान, अब तक 39 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई, 29 को बचाया गया, 4 लोग लापता।